नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। एक तरफ देश में यूसीसी को लेकर के लगातार बातें, खबरों का बाजार और सुर्खियां सब बनी हुई हैं। एक इसके बाद देखा यह जा रहा है कि एक के बाद एक जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से प्रतिरोध हो रहे हैं, जिस तरह से इसको कई नेताओं का समर्थन मिल रहा है, आखिरकार क्या कुछ होगी कानून के नज़र से अगर देखें इस पूरे मामले की, इस पूरे नियम की, तो इसे लागू करने में कहां सरकार के पास दिक्कतें आएंगी, सरकार को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा सरकार के सामने क्या कुछ रोड़े अटका सकते हैं। फिलहाल बता दें कि इस पूरे के पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए 3 जुलाई को भारत ने अपने पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक बुलाई है और सरकार के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और साथ ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष सुशील मोदी। मोदी सरकार ने उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्हें इस बात को लेकर के मीटिंग भी की है उनसे कि आने वाले समय में इस जिस तरह से 3 जुलाई को इस पूरी मीटिंग होगी और इस मीटिंग में उन्हें नेताओं के साथ ही पार्टी के सदस्यों और अन्य नेताओं के जो कि पार्टी के अलग यानी भाजपा से अलग अपना विचारधारा रखते हैं उन्हें भी मनाने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि इस पूरे के पूरे मामले में 3 जुलाई को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है जिसमें अहम चर्चा हो सकती है और साथ ही किस तरह से इस पूरे नियम को क्रियान्वित किया जाएगा और साथ ही किस तरह से पर्सनल लॉ जो एक्ट हैं, पर्सनल लॉ के एक्ट भी इसी पार्लियामेंट्री मीटिंग के अंदर पार्लियामेंट्री आयोग के अंदर आते हैं और इसी आयोग के अंदर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार किस तरह से यूसीसी के मुद्दों को, यूसीसी के टॉपिक्स को और इन सभी बातों को देश के संसद में सामने रखा जाए। जिस तरह से मानसून सत्र में 20 जुलाई से शुरुआत होने वाली है और 20 जुलाई के मानसून सत्र में इस बात को लेकर के चर्चा की जाएगी आखिरकार देश में किस तरह से यह पूरा का पूरा नियम लागू किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ देश में चाहे आप अल्पसंख्यक समुदाय का उदाहरण ले लें या फिर देश के आदिवासी समुदाय का उदाहरण ले लें या फिर देश में कई ऐसे तबके हैं, कई ऐसे समुदाय हैं जिनके पारंपरिक जीवन शैली या फिर उनके विचारधारा थोड़ी समाज से हटकर है, अलग है और जाहिर तौर पर भारत की खूबसूरती, भारत की विभिन्नता का एक अभिन्न अंग भी है। तो ऐसे में अगर यूसीसी के नियम प्रस्तावित किए जाएंगे, इसके ऊपर चर्चा होगी तो क्या कुछ कमियां, क्या कुछ खामियां और क्या कुछ सुधार और बदलाव इस पूरे के पूरे मामले में देखने को मिलेंगे, यह भी काफ़ी अहम रहने वाला है। क्योंकि एक तरफ मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि 2024 के चुनाव से पहले यह मुद्दा काफ़ी अहम है और इसे लागू करके केंद्र सरकार जनता के बीच में अपनी प्रतिक्रिया और अपनी कुल मिलाकर के साख बढ़ानी चाहेगी कि वह देश हित में लगातार काम कर रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही के दिनों में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में यह बात स्पष्ट भी कर दी है कि आने वाले समय में वह एक बहुत बड़ा नियम होगा, बहुत बड़ी जो है भूमिका होगी इस नियम की और इसके बाद ही पूरे देश में लगातार इस बात को लेकर सुगबुगाहट है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने लगातार इसकी आलोचना की है लेकिन अन्य विपक्षी दलों ने इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं समर्थन दिया है या यूं कहिए कि स्पष्टीकरण भी मांगा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा इस पूरे मामले को स्पष्टीकरण देते हैं, किस तरह से धार्मिक मामलों में सहिष्णुता बरती जाएगी इस पूरे के पूरे नियम में और किस तरह से देश के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे, एक समान नियमों के अंदर लाया जाएगा, तो इस सब बातों को लेकर के कल यानी कि 3 जुलाई को चर्चा होने वाली है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में और यहां में नेताओं के साथ ही अन्य विपक्षी दलों के नेताओं का भी जो है बहुत ही अहम योगदान होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और खास करके इस बैठक की अहम अपडेट्स के लिए भी धन्यवाद।